दोस्तों आज 27 नवंबर 2024 यानी कि महीने का लास्ट दिन है। आज के इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप लोगों के बीच बहुत ही खास जानकारी हम लेकर आए हैं। बालू गिट्टी छोर सीमेंट का रेट तो बताएंगे, साथ में आपको एक डंपर बालू लेते हैं तो कितने रुपये मिल जाएगा, एक ट्रक बालू लेते हैं तो कितने रुपये में मिल जाएगा, ठीक है ना, गिट्टी लेते हैं तो कैसे मिल जा रहा है। चाहे आप बिहार के किसी भी जिले से वीडियो देख रहा है, अगर अंतर भी होगा ना दोस्तों तो बस 200-400 रुपये का अंतर होगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। लेकिन इससे आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको कितने कितने रुपये में आपको कौन सा सामान मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम बता देते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करें। तो दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे बालमुकुंद, मगध, कामधेनु, नीलकमल कई सारे ब्रांड के सरिया, लोकल में कोई भी ब्रांड का यदि आप सरिया लेते हैं तो आपको 6000 के भीतर ही मिल रहा है। बालमुकुंद, मगध, कामधेनु, नीलकमल, K2, इन सभी की बात करें तो किसी का 100 कम किसी का 100 ज़्यादा, बस यही रेट है, लेकिन 6000 के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और सीमेंट की बात करें तो 300 से लेकर के 350 तक आपको प्लेन में मिल जाएगा। कोई भी ब्रांड का सीमेंट ले लीजिए, 300 से लेकर 350 रुपये के भीतर आपको हर एक बैग मिल जाएगा। अगर कंक्रीट में लेते हैं ना दोस्तों, सीमेंट साइड में रखा हुआ है तो कंक्रीट में आपको 350 रुपये से लेकर 380 रुपये तक हर एक ब्रांड का सीमेंट जो है कंक्रीट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपको हम गिट्टी और बालू का रेट बता देते हैं। दोस्तों गिट्टी और बालू जो है मार्केट में कई तरह से आपको देखने को मिलता है। एक तो दुकान में आपको ट्रैक्टर लगा हुआ रहता है 80-85-90 CFT का, उसमें आपको कोई फिक्स नहीं रहता है। 5000 में भी आपको एक ट्रैक्टर मिल जाएगा, 5500 में भी मिलेगा और 6000 में भी मिलेगा, बालू की बात मैं कर रहा हूँ। और गिट्टी की बात करें तो 8000 में भी मिलेगा आपको, 8500 में भी मिलेगा और 9000 रुपये में भी गिट्टी मिल जाता है आपको। तो उसमें आपको पूरा 100 CFT नहीं रहेगा, ठीक है ना। यदि आप नाप करके 100 CFT लेते हैं गिट्टी ना, तो आपको 9200 रुपया में अभी मिल जाएगा। 9200 से नीचे आपको नहीं मिलेगा 100 CFT, ठीक है ना। अगर 85 CFT लेते हैं तो वही आपको 8500 रुपया के लगभग आपको जो है मिल जाएगा। तो जितना CFT होगा उसमें थोड़ा बहुत का अंतर रहता है गिट्टी में, ठीक है ना। अब बालू की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बालू की। तो देखिए बालू आपको कई तरह से रहता है मार्केट में। अगर डंपर से लेते हैं तो डंपर से 200 CFT का, 300 CFT का डंपर रहता है, हर तरह का CFT, जितना CFT डंपर लीजिएगा उस हिसाब से पैसा रहता है। तो 200 CFT डंपर अगर बालू लेते हैं तो आपको 12500 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 12500 रुपये में 200 CFT का डंपर जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। 100-200 का अंतर हो सकता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि 100% आपको यही रेट मिल जाएगा, और इसका रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है प्रत्येक दिन, कभी भी इसका रेट घट बढ़ सकता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रक से लेते हैं बालू। एक ट्रक 1000 CFT का तो आपको 45 से 50 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स।